व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसा है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो अगर हम देखें ये पौधा, अगर हम इसको बाहर निकालें यहाँ से, तो हम देखेंगे कि ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है। ये जो रूट सिस्टम है इसको ज़मीन में जोड़ने में मदद करता है, ये फिक्स करने में मदद करता है ऐसे, एंड दिस विल आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें स्टेम और ब्रांचेस हैं, इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, सो दे विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की मदद से ये जो प्लांट है अपना भोजन खुद बना सकता है। तो इसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। अब अगर हम यहीं पे देखें कि ये सिंजोनियम का प्लांट है जो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई और भी पौधा लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो पौधा है इसको हम जो अनवांटेड, हमने यहाँ क्या लगाया था, सिंजोनियम, लेकिन ये है अनवांटेड प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका भी रूट सिस्टम है और इसका भी शूट सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं वीड प्लांट। तो ये वीड प्लांट है जो अनवांटेड है, जिसको जिसको हमने, क्योंकि सिंजोनियम हमने ग्रो किया था, इसके साथ साथ ही अनवांटेड पौधा भी उग रहा है।